बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 6 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में परिवर्तन और लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, इस साल बदलाव होगा और बदलाव फायदेमंद रहेगा। धन की स्थितियों में भी आपके सुधार होगा, लेकिन इस साल स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में इस साल में विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सामान्यतः शनि को हम पाप ग्रहों की श्रेणी में या अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। तो किसी ग्रह का पाप ग्रह होना या शुभ होना क्या वास्तव में बहुत बुरा होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से दुष्ट और अशुभ नहीं होता। हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं, शुभ और अशुभ। अगर हम बृहस्पति को बहुत शुभ मानते हैं तो बृहस्पति का अशुभ पक्ष भी जीवन में जरूर है, और अगर हम शनि को अशुभ मानते हैं तो शनि का शुभ पक्ष भी जीवन में जरूर है। शनि व्यक्ति को उसके पूर्व या उसके वर्तमान कर्मों के हिसाब से फल देता है। जीवन में अगर आपके शनि परेशानियां पैदा कर रहा है, अगर आपके जीवन में कहीं अशुभता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शनि आपके जीवन में शुभता भी प्रदान करेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी ग्रह पूरी तौर से शुभ या अशुभ नहीं होता है। हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं। ग्रह शुभ परिणाम भी देता है और अशुभ परिणाम भी प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या आपको बोलने की या हकलाहट की समस्या हो, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, बोलने में लड़खड़ा जाते हो या हकलाने लगते हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे 3 बार शंख बजाइए। शंख बजाना बड़ा अच्छा होता है आपके फेफड़ों के लिए, गले के लिए और वाणी के लिए। स्नान के बाद पीला चंदन कंठ पर लगाइए। अपने कंठ पर पीला चंदन जरा सा लगा लीजिए, और ऐसा रोज अगर आप करते हैं तो आपकी वाणी साफ और स्पष्ट होगी। आपकी हकलाहट की, लड़खड़ाने की, बोलने की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, हर शनिवार को गुड़ और चने का दान किसी भी समय, सुबह के समय, शाम के समय, जब भी आपको मौका मिले, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और चने का दान करिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऐसा करने से आपकी नौकरी की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी हमेशा बेहतर बनी रहे, तो हर शनिवार को निर्धनों को गुड़ और चने का दान करना आपके लिए बेहतर होगा।